हेलो फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बूम्बिल फ्राई। आज एक नॉनवेज रेसिपी बनाएंगे, लेकिन आज हम चिकन या मटन नहीं बना रहे हैं। तो चलिए इस सिंपल सी बूम्बिल फ्राई रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बूम्बिल फ्राई आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि बूम्बिल फ्राई हम जब बनाते हैं तो बूम्बिल अच्छे से क्रिस्प से नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ, इसमें आपके बूम्बिल फ्राई बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेस्टी बनेंगे और ये बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी, मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसी ही प्यारी प्यारी सिंपल रेसिपीज आपको मिलती रहे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गीले बूम्बिल ले लिए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे इस साइज़ में काटा है और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो ये मैंने 1 किलो गीले बूम्बिल ले लिए हैं। अब इससे लगाने के लिए हमें बाकी की जो सामग्री चाहिए वो देख लेंगे। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, या सेमोलिना, आप जिस भी नाम से इसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ इसे लगाने के लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। देखिए, यहाँ पे बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, आप मोटी सूजी के साथ साथ ज्वारी का आटा उसमें मिक्स करके और इस पर कोटिंग लगा सकते हैं, या तो आप इसे इस पर बेसन भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सूजी ले लिए मैंने। बाकी के मसाले हमें जो चाहिए, जो स्पाइसेस चाहिए वो देख लेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ले ली है 1 टीस्पून और नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। और इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है। तो देखिए, हमने अपनी सारी सामग्री देख ली है। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। अब बूम्बिल फ्राई जब हम बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि बूम्बिल को हम जब साफ़ करते हैं तो इसे कितना भी साफ़ करें, कितना भी अच्छे से वॉश कर लिया जाए, तो इससे पानी निकलता जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी टिप है जो हमें इसमें करनी है। इसे हम अच्छे से किसी वजनदार चीज़ के नीचे रख देंगे, जिसके वजह से इसका जो सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और जब हम इस पर मसाला लगाएंगे तो वो इस पर अच्छे से लग जाए। तो चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो बूम्बिल अच्छे से वॉश करके ले लिए है वो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक जाली ले ली है, या छन्नी, जिससे हम पोहे छानते हैं, वो वाली छन्नी। अब हमें इस पर मलमल का कपड़ा बिछा देना है। देखिए, यहाँ पे मैंने इस पर कपड़ा रख दिया है। अब हम इस पर एक एक पीस रखते जाएंगे अच्छे से। देखिए, हमें इस तरह से पीस रखते जाने हैं। अगर ये एक पे एक आएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये सब अच्छे से लाइन से बिछा देने हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने सब जगह से अच्छे से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है वो इसे इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसे दबा देना है। देखिए, सब साइड से अच्छे से इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अब हम इस पर रखेंगे एक प्लेट जो इस पर सही से आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक प्लेट है जिसे अच्छे से कवर कर रही है ये। अब हम इस पर कोई वजनदार चीज़ रख लेंगे, जिसके वजह से इस पर ऊपर से अच्छे से वजन बना रहेगा और नीचे से इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकलता जाएगा। और इसके नीचे साथ ही साथ हमें रखनी है एक प्लेट जिसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से ले सके। देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे एक प्लेट रख दी है, ऊपर हम कोई वजनदार चीज़ रख देंगे और इसे 1 घंटे के लिए हमें ऐसे ही रख देना है। उसके बाद हम इसे निकालेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 1 घंटा हो चुका है, इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस कपड़े को हमें ऐसे खोल लेना है। आप देख सकते हैं इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। अब नीचे हमने जो एक प्लेट रखी थी, देखिए सारा के सारा पानी यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हम इसे मसाला लगा लेते हैं। तो इस पीस को एक एक करके निकाल लेंगे और इस बाउल में हम इसे रखते जाएंगे। अब इसे मैरिनेट करने के लिए हमें मसाला लगा लेना होगा। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक डाल देंगे, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे अपने हाथों से मिक्स करें, ताकि
सावा के सारा मसाला इस पर अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए, हम देख सकते हैं कि मैंने सावा के सारा मसाला इस पर अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे ढककर एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या तो फिर इसे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगी उतनी ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक घंटा हो चुका है और हमारे जो बोंबिल है बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने जो सेमोलिना लिया था या सूजी ली थी वो मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब हम इसे अच्छे से इस पर कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे कोट करने से पहले एक बार इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसके बाद में इसे सूजी में डाल देंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बोंबिल ले लेंगे, तो अब एक बोंबिल का पीस ले लेंगे ऐसे, और इसे सूजी में इसे डाल देंगे। हमें इसे घुमाते हुए सब साइड से अच्छे से सूजी इस पर लग जाए, इसके अच्छे से इस पर अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। इस तरह से इसे लपेट लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा दबाते हुए नहीं करना है हमें, बस हल्का सा इसे ऐसे लगा लेना है। आप अगर चाहे तो ऐसे ऐसे रोल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब बिल्कुल तैयार है। इसे साइड में रख देंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के बोंबिल भी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे जो पीस है उस पर अच्छे से कोटिंग कर ली है सूजी की। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। जब तक कि ये हो रहा था मैंने तेल पहले ही गर्म के लिए रख दिया था, तो तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो तेल गर्म है हमारा। अब यहाँ पे हमने जो पीस अच्छे से कोट करके रख लिए है, एक एक करके हम ये जो पीस है इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें इसे लो फ्लेम पे नहीं तलना है। हम इसे पहले हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद में गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसे तब तक के फ्राई करना है जब तक कि ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस में डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, और एक मिनट बाद गैस की फ्लेम मीडियम करके, और इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक के हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे जो बोंबिल है दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे पहले किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। हमें पहले इसे किचन नैपकिन पे निकालना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारे बोंबिल फ्राई दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसे मैंने बस एक नींबू, प्याज और हरा धनिया के साथ में गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत दिख रहा है, और ये काफ़ी क्रंची है। तो इसे ट्राई कीजिए, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।